अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपसे सवाल पूछा और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे उसका ये आंसर दिया, ये आंसर नहीं है, ये यूएचएस में भी मिस्टेक थी, हालांकि ऑप्शन है इसकी ई। ठीक है, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये यूएचएस को बाद में बताया भी गया था, उधर कंप्लेन भी की गई थी और उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया था। तो ई जो है वो सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें, ई इज इक्वल टू वी ओवर डी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिया ये वाला। ठीक है ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बताया कि सर ई जो है वो सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करती। सपोज हम इस सेपरेशन को कर देते हैं हाफ, ठीक है, तो फार्मूला में क्या आएगा, ई इज इक्वल टू वी ओवर डी बाय टू, ठीक है, ई प्राइम, तो लगता ऐसे ही है, ई प्राइम इज इक्वल टू टू वी ओवर डी। हालांकि इससे ये होगा कि डिस्टेंस अगर हाफ करेंगे तो ये डबल होगा, लेकिन एक्चुअली पोटेंशियल उतना कम हो जाएगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल जितना डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस हाफ किया है तो पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा। तो अब जरा डिस्टेंस हाफ करते हैं तो पोटेंशियल को भी हम हाफ करते हैं v बाय टू, तो ये हो गया v बाय टू ओवर d बाय टू, सो v बाय टू इंटू टू बाय डी, ये कट गया, तो आंसर क्या आया, v बाय डी। तो इस फार्मूले से भी ये प्रूफ किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, जीरो फील्ड लोकेशन। ठीक है, जीरो फील्ड लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरो फील्ड लोकेशन क्या है। सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, पहले मैं आपको जीरो फील्ड लोकेशन का कॉन्सेप्ट दे दूं, और हम ये जानते हैं कि इसकी वजह से फील्ड लाइन इस तरफ हो जाएंगी, इसकी वजह से फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन जब इन दोनों का सामना होगा, टकरा होगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं, ये दोनों फील्ड अपोजिट लाइन्स में जब जाएंगी तो ये सीधा नहीं जा पाएंगी, बल्कि इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। ठीक हो गया, अब इस पोर्शन में फिर क्या होगा, ई जीरो हो जाएगा, या यूं कह लें कि ये वाला फील्ड था जो इस तरफ को जा रहा था सीधी डायरेक्शन में, ये था 10 न्यूटन पर कूलम, तो ये भी 10 न्यूटन पर कूलम है, तो दोनों का नेट आंसर क्या होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसने इसको जीरो कर दिया, तो ये जीरो फील्ड लोकेशन है। अब ये डिफरेंट चार्जेस के लिए इसकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट पॉइंट पे जाके हमें मिलती है, जैसे आपने अभी गौर किया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से भी फील्ड एक जैसा प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब है ये दोनों किसी एक पॉइंट पे कैंसिल करेंगे और वो पॉइंट इनके बीच में कहीं होगा। तो अब हम जीरो फील्ड लोकेशन के लिए डिफरेंट कंडीशंस को जरा डिस्कस करते हैं। मैं पहले बात करता हूं लाइक चार्जेस के लिए। चलें पहला केस अगर हम डिस्कस कर लें कि अगर दोनों चार्जेस हों जनाबे वाला लाइक, ठीक हो गया, अगर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव है। अब लाइक चार्जेस में भी दो केस बन जाते हैं कि लाइक चार्जेस में एक तो हो सकता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और दूसरा हो सकता है अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। ठीक हो गया, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया, फॉर एग्जांपल ये भी 2 माइक्रो कूलम, तो ये भी 2 माइक्रो कूलम है, इस तरह ये भी 2 माइक्रो कूलम माइनस में, और ये भी -2 माइक्रो कूलम। ठीक हो गया, तो अगर मैग्नीट्यूड एक जैसी हो और वो लाइक चार्जेस हो, तो ई होगा जीरो एग्जैक्टली एग्जैक्ट एट मिडल पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में फील्ड लाइंस जाती हैं। ठीक हो गया, मसलन ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो इन दोनों के दरमियान फील्ड यहां पर जीरो होगा। अगर ये टोटल डिस्टेंस है इनके दरमियान 4 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर पे फील्ड जीरो हो जाएगा। इसी तरह ये भी दोनों, अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस की बात कर रहे थे जैसे 4 सेंटीमीटर है,
तो ई जीरो होगा यहां पर, ई जीरो हो जाएगा यहां पर, ई जीरो होगा यहां पर। लेकिन अगर दोनों की मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हैं तो फिर क्या होगा, अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। ई जीरो होगा, होगा उसी लाइन पे, ठीक है ना, इन बिटवीन, ठीक है, ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम, बट नियर टू द स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड चार्ज। यानी जिसकी मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहा है, पॉजिटिव साइन की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। इसकी एग्जांपल यहां से देखते हैं। जैसे ये है जनाब 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, Q1 एंड Q2 इज 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब होगा उसी लाइन पे, लाइन पे क्यों होगा, सपोज इसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब इसका फील्ड स्ट्रांग होगा, इसका फील्ड स्ट्रांग होगा, सपोज 10 माइक्रो, सपोज कर रहा हूं इसका है 10 न्यूटन पर कूलम और इसकी वजह से है 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक हो गया। इस 10 ने इस 2 को कैंसिल करना है, तो इसका मतलब है कि ये इसके करीब यहां तक आ जाएगा इसको कैंसिल करने के लिए, ठीक है। इसका फील्ड इस तरफ को जाएगा, ठीक है, और ये फील्ड इधर आते आते यहां पर जाके इसके बिल्कुल बराबर हो जाएगा। सपोज यहां पर ये स्ट्रांग है और ये जैसे जैसे इससे दूर जाएगा और ये वीक होता जाएगा और यहां पर पहुंच के ये इसके एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा और यहां पर जाके क्या हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा। दिस इज जीरो फील्ड लोकेशन। तो वो जो मैंने आपको बात बताई कि अगर ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स होंगी देन ई विल बी जीरो नियर टू द स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज, होगा लाइन के ऊपर। जैसे ये नेगेटिव है माइनस Q1 दैट इज 2 माइक्रो, चले मैं कोई और वैल्यू लिख लेता हूँ, 5 माइक्रोकूलम, और Q2 है -10 माइक्रोकूलम, ठीक है, और ये दोनों नेगेटिव हैं, तो फील्ड जीरो होगा इसके करीब, ठीक होगा लाइन पे ही जो उन दोनों को ज्वाइन कर रही है। रीजन मैंने क्या बताई है इसकी, क्योंकि इसकी वजह से फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम होगा और इसकी वजह से यहां से 10 प्रोड्यूस होगा, लेकिन यू नो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये कम होता जाएगा वीक और यहां पर पहुंच के इसके इक्वल मैग्नीट्यूड में आ जाएगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इस जगह पर जाके जीरो कर देंगे। इसका मतलब है जहां पर ये जीरो होता है वहां पर क्या होता है, E1 और E2 बराबर हो जाते हैं, यानी इसका E1 इस तरफ को और इसका E2 इस तरफ को, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां पर जाके और दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। इसके करीब जाके E0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका फील्ड यहां तक जाके बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और इसका जो Q2 का फील्ड है यहां पर बहुत बड़ा स्ट्रांग है, तो दोनों कैंसिल नहीं कर सकेंगे। जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, E1 के लिए लिखेंगे जनाब KQ1 ओवर, ओवर मैं बाद में लिखता हूं, KQ2 ओवर, ठीक है। अब यहां पर क्या आना है, यहां पर क्या आना है, ठीक है ना, यानी दोनों फील्ड इक्वल हैं, कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है यहां पर क्या आएगा, लिसन टू मी, यहां पर टोटल डिस्टेंस हमें अमूमन गिवन होता है 3 मीटर है, सपोज 3 मीटर है। अब ये है पोजीशन पी, ठीक है, Q1 का पोजीशन तक का डिस्टेंस, रिमेंबर मैंने बताया था आर इज डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, फ्रॉम पॉइंट चार्ज, यानी जिस चार्ज की फील्ड फाइंड करना चाहते हैं आप उस चार्ज से डिस्टेंस लेना है। तो हम किसकी फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, Q1 चार्ज की, तो Q1 चार्ज की फील्ड यहां पर, और इसके लिए हम यहां पर सपोज इसकी वजह से हम लिखेंगे डिस्टेंस को, मैं अगर ये 3 मीटर है दोनों के दरमियान डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, चलें सपोज इस पोजीशन का नाम है एक्स, ठीक है, यानी ये फिर आ जाएगा Q1 से ये पोजीशन कितनी दूर है, एक्स,
तो यहां पर मैं लिखूंगा के क्यू वन ओवर एक्स स्क्वायर, के क्यू टू ओवर, अब ये टोटल थ्री है, थ्री में से इस एक्स को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। यानी Q2 से ये कितना डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 3 मीटर है, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब हर एक न्यूमेरिकल में, हर ऐसे सवाल में के से कट जाएगा, ठीक है। और याद रखिए यहां पर साइन को हमने नहीं लिखना, नेगेटिव साइन को नहीं लिखना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर क्यू वन आ जाएगा और उधर आ जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर इनटू क्यू टू। अब चार्ज के साथ अमूमन माइक्रो लिखा होता है, तो माइक्रो भी लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ माइक्रो लिखने से कट जाएगा। अभी मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमने अभी एक केस को लिया कि दोनों अगर लाइक हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो एग्जैक्ट सेंटर पे अगर 4 सेंटीमीटर है दरमियान में, तो फौरन जवाब दे दीजिए 2 सेंटीमीटर पे फील्ड जीरो हो जाएगा। और अगर दोनों नेगेटिव है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तब भी दरमियान में जीरो। लेकिन अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है और एक जैसे चार्जेस हैं, तो जो छोटा चार्ज होगा उसके करीब फील्ड जीरो होगा, और जहां पर फील्ड जीरो होगा वहां पर E1 विल बी इक्वल टू E2, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस, पहले लाइक की, अब हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस। अब अनलाइक चार्जेस की बात कर लेते हैं। अनलाइक चार्जेस में जनाब एक आएगा पॉजिटिव और एक आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें भी दो केस बन सकते हैं। पहला केस है इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा केस है अन इक्वल मैग्नीट्यूड। हमारा जो रेलेवेंट केस है वो अन इक्वल का है, इसको अंडरस्टैंड करना है। इक्वल मैग्नीट्यूड में सपोज Q1 है 2 माइक्रोकूलम और Q2 है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो अब आप मुझे ये बताइए, दरमियान में फील्ड जीरो हो सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका फील्ड इधर को है, इसका इधर को है और इसका अपना भी इधर को है। इसका मतलब है कि दरमियान में ये फील्ड जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसका फील्ड यानी Q1 का फील्ड इस डायरेक्शन में और Q2 का भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को स्ट्रांग कर रहे हैं, जीरो तो नहीं हो सकता ना। हाँ, जीरो होगा कहां, जस्ट बी आउटसाइड, यहां जीरो है जनाब, ई जीरो है। आप सोचेंगे यहां ई जीरो कैसे है, कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन, आप पे तो होगी मुझे उम्मीद है। ये देखिए जरा कैसे है, चलिए मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे इसकी डायग्राम बना के भेजेंगे, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। मैंने अभी आपको बताया है जस्ट आउटसाइड फील्ड जीरो होगी, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का, ये नेगेटिव चार्ज ई जस्ट आउटसाइड ई जीरो होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर डायरेक्शन बना के शो किया है, ये डायरेक्शन मैंने बना के शो कर दिया कि ये जीरो नहीं कर सकता, दोनों दरमियान में जीरो नहीं कर सकता, दोनों की सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है, लेकिन जस्ट आउटसाइड फील्ड जीरो होगा, जस्ट आउटसाइड फील्ड जीरो होगा। ये क्यों जीरो होगा, कैसे जीरो होगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके करेक्ट आंसर का, ओके, जो कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मुझे आंसर देते हैं और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट भी वो मुझे आंसर देंगे। अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो तो, ठीक है ना, सपोज अनइक्वल मैग्नीट्यूड का केस है कि एक है -2 माइक्रोकूलम और एक है +4 माइक्रोकूलम, ठीक है, अनलाइक हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जनाब फील्ड कहां जीरो होगी। अब फील्ड दरमियान में, अनलाइक के दरमियान में फील्ड जीरो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका फील्ड इधर को है, पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड जाता होता है और ये भी फील्ड को इधर लेके आ रहा है, फील्ड दोनों का फील्ड एक दूसरे को करेगा स्ट्रॉन्ग, दरमियान में जीरो नहीं होगा। फिर कहां जीरो होगा, कहां जीरो होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल है, होगा आउटसाइड, ठीक है, ई जीरो होगा कहां पर, आउटसाइड, ठीक है, बट ऑन लाइन, ठीक है, होगा उस लाइन पे जिस लाइन पे वो दोनों हैं, ठीक है ना, बट किसके करीब, नियर टू द स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज,
फिर यहां पर जीरो होगा ई, ठीक हो गया। अब याद रखिएगा ये बात, अब इसकी रीजन क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, ये देखें। अगर ये फोर वाला है तो फोर वाले का फील्ड कितना है, सपोज ये मैं आपको समझाता हूं अगले पेज पे, ये देखें जरा, ये था 4 माइक्रो कूलम। इस आंसर से आपको हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेकिन हेल्प भी उन्हीं को मिलती है जो सोचते हैं, तो अच्छा है कि आप सोचें। 4 माइक्रो कूलम, इसका फील्ड किधर है जनाब, इस तरफ को है, पॉजिटिव है, इसका फील्ड इधर को, और दूसरा कौन सा है, माइनस टू माइक्रो कूलम। ये फील्ड आगे तक जाएगा ना, मैंने तो यहां तक चले ये बना रहे, अब -2 माइक्रो कूलम है, ठीक है। इसका फील्ड किधर को होगा, नेगेटिव की वजह से इधर से तो फील्ड इधर को आएगा, यूं इसका फील्ड इधर को आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है इसका भी फील्ड भी इधर को आ रहा है, दोनों के फील्ड एक डायरेक्शन में कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन आगे चल के देखो, बाहर देखो, यहां क्या हो रहा है, यहां पर इसका फील्ड किधर को है, इधर को, क्योंकि नेगेटिव ने अपनी तरफ फील्ड को लाना होता है, जबकि पॉजिटिव का किधर को आ रहा था, इधर को। इसका मतलब है इस पोर्शन में जाके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, और जीरो इसी के करीब होंगे ना, क्योंकि यहां पर जाके दोनों अपोजिट हो गए, क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड ने इधर को आना है और नेगेटिव ने फील्ड को अपनी तरफ खींचना है, दरमियान में वो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। आउटसाइड पे जाके आप गौर से देखें, ये बातें आपको पहले पता नहीं थी, आई एम 100% श्योर आपने जीरो फील्ड लोकेशन पे इतना कभी फोकस नहीं किया, लेकिन अब आपको फोकस करना होगा, क्योंकि ये एमडी कैट है, ठीक है ना, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। अब इसका मतलब आउटसाइड पे जाके ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और इसका फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं है और इसका स्ट्रांग है, इसका यहां तक आके तकरीबन इसके बराबर हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और क्या हो गया, जीरो, कैंसिल कर दिया। लेकिन यहां पर चेक करें, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तभी वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। चलें जनाब, ये 2 माइक्रो कूलम था, ये 4 माइक्रो कूलम था, और जीरो कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। सपोज इन दोनों के दरमियान 3 मीटर डिस्टेंस है, मैं वैसे 3 ले रहा हूं, आपकी बुक में 2 सवाल है उनमें 3 मीटर लिया हुआ है, और पोजीशन ये है एक्स। E1 का फार्मूला क्या आएगा, E2 का फार्मूला क्या आएगा, समझदारों के लिए काफी है इशारा, नेगेटिव साइन को फार्मूले में यूज नहीं करना, के क्यू वन नेगेटिव साइन में सिर्फ ये पता होगा कि फील्ड जीरो कहां होगा, ठीक है। के क्यू वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू टू ओवर 3 प्लस एक्स, ये मैंने नहीं बताना आपको, ये आप खुद सोचेंगे कि 3 प्लस एक्स क्यों आया, थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए आपको। के से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फिर ले लें रूट, इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व, ठीक है। अब एक आपको शॉर्टकट सा बताने जा रहा हूं आपको, ये दो नुमेरिकल आपकी बुक में है, क्योंकि हम यकीन रखते हैं शॉर्टकट्स पे, ठीक है ना, क्योंकि ये है एमडी कैट, और एमडी कैट और ऊपर से 2020 है, तो 2020 इतने खतरनाक साल में एमडी कैट होने जा रहा है, तो वो कितना खतरनाक होगा, जरा भी नहीं होगा, टेंशन नहीं लेनी हमारे होते हुए इंशाल्लाह। तो शॉर्टकट इसका क्या है बेटे, शॉर्टकट इस जीरो फील्ड लोकेशन से रेलेवेंट बताने जा रहा हूं, कि ये दो न्यूमेरिकल आपकी बुक में है, ठीक है ना। अगर ये एक है 4 माइक्रो कूलम और दूसरा है 16 माइक्रो कूलम, अभी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर शॉर्टकट की तरफ लेके जाऊंगा। इन दोनों के आप मुझे बताइए फील्ड जीरो कहां होगा, यहां होगा, जो छोटे वाला चार्ज है उसके करीब जीरो होगा, ठीक है ना। सपोज ये है एक्स, ठीक है, तो एक्स फाइंड आउट करना है हमने, और इन दो के दरमियान डिस्टेंस हमें गिवन है, मैं अपनी मर्जी से लिख लेता हूं डिस्टेंस, चलें ये जनाब है 5 मीटर, ठीक है। अब ये ना कहना कि हमारी बुक वाला न्यूमेरिकल है, उसी टाइप का न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये एक्स है और ये पी है जहां पर फील्ड जीरो होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्जेज हैं, सॉरी लाइक चार्जेज हैं, इसलिए बीच में कहीं जीरो होगा, लेकिन छोटे के करीब जीरो होगा, और ये क्या होगा, दिस विल बी 5 माइनस एक्स, ठीक है, ओके। लो जी, लिखते हैं E1 इज इक्वल टू E2 के Q1 बाय एक्स स्क्वायर के Q2 ओवर 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। के से कट गया, क्यू में है 4 माइक्रो कूलम और 16 माइक्रो कूलम है, माइक्रो माइक्रो मैंने दोनों तरफ नहीं लिखना, लो जी इधर 4 है और 5 माइनस एक्स, और इधर कितना है Q2 कितना है,
अच्छा क्यू वन ये है, ठीक है, और ये है क्यू टू, क्योंकि एक्स क्यू वन के लिए, ठीक है ना। तो ये है 4 और क्यू टू है 16, डायरेक्ट लिखा गलती हो जाएगी, 4 ओवर x² 16 ओवर 5 माइनस x होल स्केयर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 4 5 माइनस x होल स्केयर 16 x स्केयर। अब अगला स्टेप होगा रूट ले लें, रूट लेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 5 − x, ठीक है, इज इक्वल टू 4x, ठीक है। 2 5 10 − 2x इज इक्वल टू 4x, 2x उधर ले जाओ तो कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/6। मुझे उम्मीद है कि मैंने सही किया होगा। ठीक हो गया जी, 10/6 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 10/6, x इज इक्वल टू 5/3, 5 to the 10, 3 to the, ठीक है। अब शॉर्टकट में आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर एक चार्ज हो कोई भी मैग्नीट्यूड का, लाइक की बात कर रहा हूं, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं लाइक के लिए, एक 4 है और दूसरा उसका 4 गुना ज्यादा है, 4 4 16। जीरो फील्ड लोकेशन पता क्या होगी, उनके दरमियान जो भी डिस्टेंस हो उनको उसको 3 से डिवाइड कर दो। ये देख लो, दो तीन एग्जांपल आप खुद करके देख लेना। मसलन एक और एग्जांपल अगर आप खुद करना है, पहले इस तरह से कैलकुलेट करना। मसलन क्यू वन है 1 μC और क्यू टू है 4 μC, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन है जनाबे वाली 7 मीटर। सेवन, चलो मीटर आपके इतनी दूर एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, 7 सेंटीमीटर। ई जीरो होगा कहां पर, एक्स इज इक्वल टू 7/3। मैंने डायरेक्ट आंसर दिया, आपने कैलकुलेशन करनी है, और ये बुक में न्यूमेरिकल भी है, मैंने एक करवाया। अब देखें ये भी वही, ये भी वही, चलें क्यू वन है 100 μC, क्यू टू है 400 μC, दोनों के दरमियान सेपरेशन है 1 मीटर। एक्स बताओ जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ होगी, 1/3 दोनों मीटर, ठीक है, 1/3 मीटर, ठीक हो गया। तो 3 से डिवाइड कर देना, ये शॉर्टकट हो गया। एक और न्यूमेरिकल करते हैं फिर उसका शॉर्टकट भी करेंगे। एक है -4 μC और एक है 16 μC, उन दोनों के दरमियान सेपरेशन है, अपनी मर्जी से लिख लें या बुक में भी ऐसा एक सवाल दिया हुआ है 3। अब आप बताइए कि कहां पर E0 होगा, यहां पर E0 होगा। चले ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज 3+x, ठीक है। E1 इज इक्वल टू E2, E1 आएगा 4, K नहीं मैंने लिखना, K कट जाना, ये देखें K दोनों तरफ कट जाता है। तो चार्ज लिखो, नीचे उसका डिस्टेंस लिखो, चार्ज कितना है 4, नीचे उसका डिस्टेंस x², E2 कितना है 16, 3+x होल स्केयर, ठीक है। अब क्या ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और रूट ले लें, ठीक है। 3+x होल स्केयर × 4 इज इक्वल टू 16x², रूट लेंगे तो रूट लेने से आएगा 3+x × 2 4x, 3 to the 6 + 2x इज इक्वल टू 4x, 2x उधर चला जाएगा तो 4x में से 2x निकला, बाकी क्या बचा 2x, इधर 6 x = 3। शॉर्टकट की बात करें, अगर एक नेगेटिव हो और दूसरा हो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव 4 गुना ज्यादा हो, नेगेटिव से पॉजिटिव 4 गुना ज्यादा हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है नेगेटिव से पॉजिटिव, छोटे चार्ज अनलाइक की बात कर रहे हैं, एक चार्ज से दूसरा 4 गुना ज्यादा हो लेकिन हो अनलाइक, जितनी सेपरेशन होगी उतना ही आंसर आएगा। मसलन एग्जाम्पल से आप समझेंगे, आप खुद करेंगे, मैंने बस शॉर्टकट समझाना है। -7 μC, आप परेशान ना होना ऐसे सवालों से, ठीक है। और ये है 28 μC, ठीक है, उन दोनों के दरमियान सेपरेशन है 0.5 सेंटीमीटर। अब आप सोच लेंगे इस तरह मुश्किल सा सवाल आ जाएगा हमें,
इससे ये कितने गुना ज्यादा है, चार गुना ज्यादा है। तो जीरो फील्ड कहां पर आएगा, जीरो फील्ड आएगा 0.5 मीटर, ठीक है, इससे दूर, यानी ये भी 0.5 मीटर है या सेंटीमीटर जो भी है। यानी एक से दूसरा फोर टाइम अगर हो और एक अनलाइक चार्जेस की बात कर रहा हूं, ये शॉर्टकट सिर्फ इसी के लिए हैं। और ये मैंने शॉर्टकट इसीलिए इसी के लिए क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये हमारी बुक में है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मैंने आपके साथ दो फार्मूले शेयर किए, वी इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज और के क्यू ओवर आर। ये है पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, नॉट फॉर प्लेट्स। अब अगर एक वक्त में तीन चार चार्जेस हैं, क्यू वन क्यू टू, चले ये क्यू टू है, क्यू थ्री है, चले मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये है, ठीक है, ये क्यू वन है, ये क्यू टू है, ये क्यू थ्री है। तो इन तीनों की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो पोटेंशियल का तरीका बड़ा सिंपल है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। सपोज इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं तो ये आएगा वी वन का आएगा के क्यू वन ओवर आर वन, यानी क्यू वन का ये डिस्टेंस दिस इज आर वन, क्यू टू का ये डिस्टेंस आर टू, और ये क्यू थ्री का है आर थ्री, ठीक है, प्लस के क्यू टू ओवर आर टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्जेस एक दो तीन जितने भी हों, पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल हमेशा ऐड हो जाता है। अब वो जो जीरो फील्ड लोकेशन की बात की थी ना, अब मैंने जीरो पोटेंशियल की बात करनी, जीरो पोटेंशियल और इक्वी पोटेंशियल। सेकेंड ईयर बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो ठीक है ना। तो जीरो पोटेंशियल और इक्वी पोटेंशियल क्या है, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल कहां पर होगी, जीरो पोटेंशियल सपोज ये था 4 माइक्रोकूलम और ये नेगेटिव है, ये भी 4 माइक्रोकूलम है। आपको पता है ई जीरो नहीं हो सकता कहीं भी, दरमियान में ई जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एग्जैक्ट मिड पे जाके वी जीरो हो जाता है। वजह, वजह जानना चाहते हैं आप, वजह मैं बता देता हूं। अगर आप यहां पर वी फाइंड करना चाहते हैं तो V होगा इस चार्ज की वजह से, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, V होगा V1 प्लस V2। मैं बताना चाहता हूं कैसे जीरो आएगा, ये आएगा कि Q1 है 4 माइक्रोकूलम ओवर ये डिस्टेंस वेग जैसा है ना, अगर मैं इसको लिखता हूं R तो ये भी R ही लिखा जाएगा क्योंकि दोनों के दरमियान की बात कर रहे हैं, ओवर R प्लस, और V2 है नेगेटिव के लिए, यहां नेगेटिव का साइन हमने पुट करना है क्योंकि पोटेंशियल जो होती है ना उसकी डायरेक्ट पोटेंशियल डिपेंड करता है हाई से लो पोटेंशियल, ठीक है, इसलिए यहां हमने नेगेटिव साइन लिखना के, और ये है 4 ओवर R, ठीक है ना। अब आप समझ गए ये जीरो हो जाएगा, इसी तरह पोटेंशियल यहां भी जीरो हो जाता है। जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ये पास्ट पेपर में आ चुका है, ये UHS में सवाल आ चुका है, अगर आपके पास इस तरफ 4 माइक्रोकूलम है और इस तरफ -4 है तो एग्जैक्ट सेंटर पे उनके ई जीरो नहीं होगा लेकिन पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। अब यहां पर भी क्या होगा, वी जीरो, लेकिन ई क्या है आप सब जानते हैं, ई है जनाब यूनिफॉर्म, ई यूनिफॉर्म है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एग्जैक्ट मिड पे जीरो है, ठीक है ना। अब इक्वी पोटेंशियल की बात क्या करते हैं, इक्वी पोटेंशियल बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे आप अर्थ की सरफेस पे चल रहे हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रही, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी पोटेंशियल पे सरफेस पे वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। आप अपनी छत पे फुटबॉल को घुमाएं, किक लगाएं, छत पे ही रहे फुटबॉल, तो आप ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। बाकी बातें करते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।